एक बार एक जंगल में सूखा पड़ जाता है और वहाँ के सभी तालाबों का पानी सूख जाता है और पूरे जंगल में सिर्फ एक ही तालाब में पानी बचता है जिसमें जंगल के सारे मगरमच्छ रहा करते थे। एक दिन दो हिरन पानी पीने के लिए उसी तालाब की ओर निकल पड़ते हैं और दोनों उसी तालाब में पानी पीने लगते हैं। उनमें से एक हिरन बहुत ही चौकन्ना और तेज था। वो पानी पीने से ज़्यादा खुद की सेफ्टी पर ध्यान दे रहा था, लेकिन दूसरा हिरन सिर्फ अपनी प्यास बुझाने में जुटा था। तभी अचानक से एक मगरमच्छ ने उन दोनों का शिकार करने की कोशिश की। जो हिरन चौकन्ना और तेज था वो तो मगरमच्छ के चंगुल से बच निकला, लेकिन दूसरा वाला हिरन मगरमच्छ का नाश्ता बन गया। इस कहानी में मगरमच्छ हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और हिरन हम हैं। अगर आप पहले वाले हिरन की तरह तेज बनते हो तो आप हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो, और अगर आप दूसरे वाले हिरन की तरह बेफिक्र रहते हो, सीधे रहते हो, तो आप प्रॉब्लम्स का शिकार बनते रहोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको तेज बना देंगे, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें वरना बहुत पछताओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, तेज बनना है तो अपने हर छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का सहारा लेना बंद करो यार। एक तरफ तो आप ये कहते हो भाई मुझे तेज होना है, होशियार होना है, इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, और दूसरी तरफ आप अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों का मुंह ताकते रहते हो कि काश कोई मेरी हेल्प कर देता तो अच्छा होता। मेरे दोस्त, अब आप बच्चे नहीं हो कि कोई दूसरा आके आपको जिंदगी जीने का तरीका बताए तब आप आगे बढ़ोगे। आपको खुद ही आगे बढ़कर हर चीज का सामना करना होगा, तभी आप तेज लोगों की दुनिया में अपना नाम बना सकते हो। मैंने देखा है कुछ लोग तो दूसरों पर इतना ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि खुद की मर्जी से अपने लिए कपड़े तक बाय नहीं कर सकते। ऐसे लोग बड़े बड़े काम कहाँ से करेंगे। दूसरी बात है, तेज़ होना है तो अपने हाथों का मैल संभाल कर रखें, यानी कि पैसों की कद्र करें। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा पैसा हाथों का मैल है। आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आपके पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। दोस्त, ये बात वहाँ लागू होती है जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हो, दान पुण्य करते हो। ये बात वहाँ लागू नहीं होती जब आप बेफिजूल पैसा खर्च करते हो। इसलिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आपके पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसी सोच आपको परेशानी में डाल सकती है और आपकी लाइफ में पैसों की तंगी आ सकती है। इसलिए पैसों की कदर करना शुरू कर दो और जहां कम पैसों में काम चलता हो वहां ज्यादा पैसा खर्च ना करें। पैसा हाथों का मैल है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पैसा आपकी किस्मत बदल सकता है इतना जरूर पता है। मेरी बात सही लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आई अग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात है, इमोशंस में अगर कोई भी बात ना कहें जिससे बाद में आपको ही घाटा हो। हम अक्सर इमोशनल होकर कुछ ऐसा बोल देते हैं या कोई ऐसा वादा कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए ही घाटे का सौदा साबित होता है। अगर आप तेज बनना चाहते हो तो भावनाओं में आकर कोई भी बात ना कहें। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके दोस्त ने एक न्यू कार ली है और उसी खुशी में उसने एक 5-स्टार होटल में पार्टी दी है। आपको वहाँ का खाना और वहाँ का माहौल बहुत पसंद आता है और इसी एक्साइटमेंट में आप भी कह देते हो अगली बार पार्टी मेरी तरफ से। अगले दिन जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपको पता चलता है यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पार्टी देता हूं तो बिना मतलब पैसा खर्च होता है और नहीं देता हूं तो दोस्तों के बीच में दोगला इंसान साबित होता हूं। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी इमोशनल होकर कोई भी प्रॉमिस ना करें। चौथी बात है, इंटरनेट का यूज़ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करें। अगर आपने इंटरनेट की दुनिया का इस्तेमाल खुद को सफल बनाने के लिए नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो जो आपको तेज़ बना सकता था। हम सभी को डेली मिनिमम 1 GB इंटरनेट डेटा मिलता है। 90% लोग इस डेटा का इस्तेमाल शॉर्ट्स वीडियोज़ देखने में करते हैं, मूवीज़ देखने में करते हैं, चैटिंग करने में करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत डेटा बच जाए तो गेम्स खेलने में करते हैं। वहीं 10% लोग अपने डेटा का यूज़ डेली कुछ नया सीखने के लिए करते हैं। कोई यूट्यूब से पैसे कमाना सीख रहा है, तो कोई कुकिंग सीख रहा है, तो कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, तो कुछ लोग इंटरनेट की हेल्प से काफी पैसे कमा रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप इंटरनेट का यूज किस काम के लिए करते हो। पांचवी बात है, अपनी स्किल को बढ़ाते रहें। जब आप एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे ये जरूर पूछेगा अपनी स्किल्स के बारे में बताओ, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री से ज़्यादा हमारी स्किल की वैल्यू होती है, और जिस इंसान में कोई भी स्किल नहीं वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आपने लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीख ले ताकि तेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप कहीं भी जाओ आपको कमाने खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए तेज़ बनना है
तो अपने अंदर कम से कम इतनी स्किल तो जरूर लाओ जिसकी हेल्प से आपके घर का कर्जा चल सके। छठी बात, तेज बनने के लिए आपको चालाकी से बात करना आना चाहिए। चालाकी से बात करने का मतलब होता है बातों ही बातों में काम आपका हो रहा हो और सामने वाले को ऐसा लगे कि काम उसका हो रहा है, ये होता है चालाकी से बात करने का मतलब। देखो यार, चाहे आपकी पर्सनैलिटी में सुधार लाना हो, लोगों का दिल जीतना हो या खुद को सबसे बेहतर बनाना हो, इन सभी कामों के लिए आपको चालाकी से बात करना आना चाहिए, तभी आप तेज हो सकते हो, चालाक हो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको किसी की हेल्प लेनी है, तो अगर आप सिंपली उससे ये कहोगे कि भाई मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो हो सकता है वो बहाने बना दे। वहीं अगर आप उस बंदे से ये कहते हो भाई एक काम था, अगर तू चलता तो बहुत मजा आता, आपकी इस बात से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी और वो आपके साथ चलने को रेडी हो जाएगा। द पॉइंट इज, सामने वाले को वही कहो जो उसे पसंद आ सके। सातवीं बात है, तेज होना है तो सोशल बने। अगर आप सोशलाइज नहीं, लोगों से मिलते जुलते नहीं, तो आप तेज कभी नहीं बन सकते। आप अपनी फील्ड में नंबर वन हो सकते हो, पढ़ने लिखने में नंबर वन हो सकते हो, लेकिन आप में वो चालाकी और वो समझदारी नहीं आ सकती जो आपको दुनियादारी समझने में आपकी हेल्प कर सकती है। देखिए, जब आप लोगों से मिलते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो आपको पता चलता है कौन क्या सोचता है और इस दुनिया में आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं और हमारा यही रूटीन पूरे साल रहता है। ऐसे में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम ये जान सकें हमारे आसपास क्या चल रहा है। अगर आप सच में तेज होना चाहते हो, तो आपको सोशल रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहना चाहिए। आठवीं बात है, लोगों के साथ कभी भी सीधा मत रहो। अगर आप सच में एक तेज तर्रार इंसान बनना चाहते हो, तो आपको कभी भी लोगों के साथ सीधा नहीं रहना है। मतलब कि लोगों की उल्टी खोपड़ी के बारे में आपको समझना चाहिए और उस इंसान को टक्कर देने के लिए आपको भी थोड़ा सा तेज तर्रार और टेढ़ा बनना होगा, तभी आप उस इंसान को टक्कर दे सकते हो। आपने देखा होगा जो इंसान बहुत ही सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, उसे कोई भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, ऐसे में वो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के मतलब को पूरा करता रह जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तेज होना है तो लोगों के साथ सीधा मत बनो कि आपका ही नुकसान होता रहे। नौवीं बात है, तेज बनना है तो खुद को तेज दिखाना बंद करो। देखो यार, जो इंसान सच में इंटेलिजेंट होता है, तेज होता है, वो लोगों के सामने ऐसा कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वो तेज है, चालाक है, क्योंकि जो इंसान खुद को तेज दिखाने की कोशिश करता है, वो इंसान सच में उतना तेज होता नहीं है जितना होना चाहिए। और यार, फायदा लोगों को अपनी तेजी दिखाने में नहीं है, फायदा तो सिंपल बने रहने में है। यानी कि आप अंदर से तो तेज तर्रार रहो, लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रहो, ताकि लोगों को ऐसा लगे आप कुछ जानते समझते ही नहीं। ऐसे में वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे और इसी चीज का हमें फायदा लेना है। इसलिए तेज बनने का ये रूल कहता है, तेज बनो, तेजी दिखाओ मत। दसवीं बात है, सामने वाले की बातों का मतलब समझो। एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जांपल के लिए आपसे कोई ये कहता है, और भाई आजकल तो तेरे भाव ही नहीं मिलते। अब नॉर्मली इस बात का मतलब है आजकल आप उस इंसान से बहुत कम मिलते हो या उसके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन इस बात के और भी मतलब हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वो आपको घमंडी दिखाना चाहता हो। The point is, सामने वाला किस टोन में क्या बोल रहा है, ये समझना सीख लो, आप तेज तर्रार हो जाओगे। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक सुकून भरी लाइफ गुजारना चाहते हो तो आज के जमाने के हिसाब से चलना सीख लो, नहीं तो लोग आपको नीचे दबाकर आगे निकल जाएंगे और फिर आप लाइफ में कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए तेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग कूल पर्सनैलिटी पाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।